हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो बहुत दिनों बाद मैं आज फिर आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज़ के कारण वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बट अब रेगुलर कोशिश करूँगी कि जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हमारे रह गए हैं जीएस पेपर 1 और पेपर 4 के, वो तो हम कम्प्लीट करें ही, प्लस जीएस पेपर 2 और 3 को भी यहाँ पर हम लेकर चलेंगे। तो हम लोग कर रहे थे भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड के 4 पार्ट में पूरे करवा चुकी थी आप लोगों को। आज मैं इसका 5वां पार्ट लेकर आई हूँ, 5th पार्ट। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इसका पीडीएफ मैं अपने सक्सेस मंच पेज पे आप लोगों को यहाँ पे सेंड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर वीडियोज़ लास्ट नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, इससे पता चलेगा कि हम कॉन्टिन्यूसली में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं और वो टॉपिक कैसे कैसे कंप्लीट होना है यहाँ पर, मतलब कि लास्ट जो पीपीटीज हैं उसमें हमने क्या क्या कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। हमने प्राचीन भारत में हड़प्पा काल, जो यहाँ पे ये वाला टॉपिक है हड़प्पा काल, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं हड़प्पा काल में। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे मौर्य काल, ये आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये हड़प्पा काल हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। और मौर्य काल में हम लोग यहाँ देख रहे थे, मौर्य काल भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर दिया था। इसमें सिर्फ हमारा एक दरबारी कला का ये टॉपिक है वो रह गया था, तो वो टॉपिक हम जल्द ही यहाँ पर कवर करेंगे और आज मैं इसे दरबारी कला कंप्लीट कर दूंगी। फिर हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, फिर गुप्तकालीन कला उसमें देखनी है, फिर दक्षिण भारत की कला देखनी है और फिर उसके बाद हम मध्य काल पर आ जाएंगे जिसमें 2 काल होएंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक में, आधुनिक में भी 2 काल हैं, इंडो गौथिक शैली और नव रोमन शैली। तो ये दोनों टॉपिक हमें कवर करना है। तो अभी हमने मोटा मोटा अगर हम कहें तो सिर्फ हड़प्पा काल ही कंप्लीट किया है, सॉरी, और मौर्य काल आज मैं कंप्लीट आपको कर दूंगी। मौर्य काल और हड़प्पा काल 2 काल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम मौर्योत्तर काल करेंगे। मौर्योत्तर काल में जो भी शासक आए थे उसके बारे में, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली में सीरीज चलेगी। मैक्सिमम 1 वीक या 2 वीक में ये हमारा पूरा कला और संस्कृति का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग जल्दी से ये गो थ्रू कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने इस यहाँ पे हड़प्पा काल में यहाँ आप लोगों को बताई थी, ये देख लीजिए एक बार। आप लास्ट पीपीटीज में जाएंगे, मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। विद डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को हर चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है, जाकि आप एक एक टॉपिक मेंस के हिसाब से अपने एग्जाम में लिख सकें। तो आप लोग ये देख सकते हैं, हमने ये पूरा देखा था कि हड़प्पा काल में कैसे मुद्राएं पाई गई थी, कैसे लिपियां पाई गई थी, मृदभांड कैसे थे, आभूषण कैसे थे और कुछ रोचक तथ्य भी उसके बारे में देखे थे हम लोगों ने। अब हमने यहाँ पे दरबारी कला में महल पढ़ लिया था, यहाँ पर हमने महल पढ़ लिया था, स्तंभ पढ़ लिए थे, स्तूप पढ़ लिए थे, ये तीनों टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ हम आज देखेंगे गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियाँ। ये तीनों जो संबंधित है, ये तीनों हम यहाँ पर मौर्य काल से संबंधित है, ये तीनों गुफाएं, मृदभांड और मूर्तियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ गुफाओं के बारे में आज बात करते हैं। तो ये जो गुफाएं थी, जो मौर्य काल की ये गुफाएं थी, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इस काल में गुफाएं कैसी बनाई जाती थी। तो जो मौर्य काल में राजकीय संरक्षण जो मिला था, जो हमने ऊपर की कलाएं देखी, इसके अलावा भी दरबारी कुछ कलाएं होती थी जिसमें गुफाएं होती थी, ये लोकप्रिय कलाओं के अंदर आएगा, सॉरी। तो इसमें गुहा स्थापत्य कला, जिसे गुफाएं भी कहा जाता है, मूर्ति कला और मृदभांड, ये तीन ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मौर्य काल की बहुत ही विशेषताओं को बताती हैं। और ये व्यक्तिगत कला की भी अभिव्यक्ति होती है इन तीनों चीज़ों से, गुफाओं से, मूर्तिकला से, मृदभांडों से, कि उस समय का रहन सहन कैसा था, उस समय की विशेषताएं क्या थी। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय जो रूप हैं उनमें हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुफाएं के बारे में बात करेंगे कि मौर्य काल में गुफाएं कैसी होती थी। तो मौर्य काल में जो गुफाएं बनाई जाती थी वो चट्टानों को काटकर बनाई जाती थी, इसका उद्भव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और जो गुफाएं जो होती थी मौर्य काल की, वो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार कहा जाता था उन्हें, जहाँ वो रहते थे मेनली, ना जैन और बौद्ध जो भिक्षु होते थे उनके लिए गुफाएं मौर्य काल में बनाई जाती थी, जिसे विहार कहा जाता था और इसे वास योग्य स्थल भी कहा जाता था। आरंभिक गुफाएं जो होती थी वो जैन आजीवक इसका उपयोग करते थे, और वहीं बाद में ये बौद्ध मठों के रूप में लोकप्रिय हो गए थे। मौर्य काल के दौरान की गुफाओं की विशेषता जो थी वो थी, अत्यधिक पॉलिशदार होते थे और भीतरी दीवारों में
इसके अलंकृत द्वार होते थे, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ये बराबर की गुफाएं हैं। तो भीतरी जो दीवार है ये रही, यहाँ पर अलंकृत द्वार, यहाँ नक्काशी की जाती थी तो, और पॉलिशदार ये जो होती थी दीवारें पॉलिश की जाती थी। तो इसके जो बहुत सारे उदाहरण भी हम लोगों को देखने को मिले हैं, जैसे कि आप इसमें दो एग्जांपल भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने कोड नहीं किया, आप इसे अपने तरफ से लिख सकते हैं। एक तो जो मैंने यहाँ दिखाया है बराबर की गुफाएं जो बिहार में स्थित हैं, दूसरा है नागार्जुनी की गुफाएं। इनका निर्माण जो दोनों का है वो अशोक के बेटे दशरथ के राज्यकाल के दौरान किया गया था। तो यहाँ हम गुफाओं के बारे में दे सकते हैं। तो 3-4 पॉइंट्स आप लिखेंगे विद उदाहरण लिखेंगे तो आपका ये टॉप पॉइंट खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूर्ति कला की। मौर्य काल में जो मूर्तियां मिली हैं वो मुख्यतः जो उनका उपयोग किया जाता था वो स्तूप की सजावट के लिए किया जाता था। तोरण, तोरण माने कि दरवाजे के ऊपर जो लगाते हैं झालर टाइप में, उसे तोरण कहते हैं, तो उसके लिए किया जाता था। और धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में मूर्ति कला का प्रयोग किया जाता था कि कौन से देवी देवता को मानते हैं उस काल के लोग। मौर्य काल की जो दो प्रमुख मूर्तियाँ पाई गई हैं वो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ पाई गई हैं। और ये जो सभी मूर्तियां जो वहाँ पाई गई हैं ये तीन धर्मों से संबंधित है, मुख्यतः जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। यक्षिणी का जो सबसे पुराना जो अभिलेख है वो तमिल एक रचना है जिसका नाम है शिल्पादिकारम, उसमें मिलता है यक्षिणी की रचनाएं। और इस प्रकार सभी जैन तीर्थकर जो है वो यक्षिणी से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में कि तोरण में जो है यक्षिणी की और यक्ष की मूर्तियां यहाँ पर आपको ये दिखाई गई हैं, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। ये मेन एग्जांपल दे सकते हैं मौर्य काल का। तो ये मूर्तिकला का स्वरूप था मौर्य काल के शासन में। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड मृदभांड के बारे में। तो यहाँ जो मृदभांड थे मौर्य काल के, जो मृदभांड थे सामान्यतः जो पाए गए हैं वो काले चित्रित मृदभांड पाए जाते, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और इसे चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में भी जाना जाता था। इसकी जो विशेषता होती थी वो इसका काला रंग होता था और इसकी चमक होती थी, जैसे आप आज भी देख सकते हैं कितने सालों बाद इसकी खुदाई हुई है और ये निकला है, तो उसमें शाइनिंग एज इट इज़ है जैसे कि उस टाइम में हुआ करती थी। और उस टाइम में तो आप जान सकते हैं कि अभी इतनी शाइनिंग है तो उस टाइम में कितनी ज़्यादा शाइनिंग होती होगी इसमें। तो ये है यहाँ पर, इसे काले चित्रित मृदभांड भी कहा जाता है या चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में भी इसे जाना जाता था। इसका जो उपयोग होता था ये सामान्यतः विलासिता की वस्तु के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। और इसे प्राय उच्चतर स्तर के जो मृदभांड थे उसमें सम्मिलित किया जाता था, मतलब कि जो जिनका प्रोफाइल हाई होता था, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो इस टाइप की वस्तुएं यूज़ करते थे। तो इसका मतलब ये जहाँ पे ये चीज़ें मिली है वहाँ को बहुत ज़्यादा पैसा रहा होगा उस टाइम में, तो इसका भी, इसकी भी सूचना देती हैं, इसको भी इंडिकेट करती हैं यहाँ पे। तो ये मृदभांड के बारे में आप लोगों ने देखा, इसकी पिक्चर भी आप देख सकते हो। और अगर आपको एग्ज़ाम में बनाना है तो रफली इस टाइप की कढ़ाई की पिक्चर आप ऐसे इस टाइप का कुछ ड्रॉ भी करके आ जाओगे तो इससे आपको मार्क्स मिल जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा आपका इम्प्रेशन पड़ जाएगा। जैसे ये इस टाइप का दिया, इससे इस वाले पेन से बन नहीं रहा है ठीक से, अगर नॉर्मल पेंसिल से आप बनाओगे तो इसमें काफ़ी अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज हमारा ये तीन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, गुफाएं, मृदभांड और मूर्तिकला। और ये दरबारी जो चित्रकला थी वो कंप्लीट हो गई, और लोकप्रिय चित्रकला वो भी कंप्लीट हो गई, मतलब मौर्य काल में जो जो चीज़ें हम कला के रूप में देखी गई हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे मौर्योत्तर काल की कलाएं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अब ये वीडियोस कंटिन्यूसली लगातार आएंगी। मैं अब तक वीडियो नहीं दे पाई उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, बट आप मुझे कमेंट के रूप में और बताइए कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो और देखनी है, और किस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं मिल रही है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, कहीं बुक्स में समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सब के ऊपर मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।